नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिख वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। डीएसजीएमसी के प्रवक्ता परमिंदर सिंह ने आज अकाली दल दिल्ली के प्रधान परमजीत सिंह सरना और हरमिंदर सिंह सरना के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो हमारे रजौरी गार्डन में स्थित GTBIT और वसंत विहार पॉलिटेक्निक बंद हुए हैं, उसके जिम्मेवार सरना भाई हैं। आइए सुनते हैं परमिंदर सिंह को। गुरबाणी कहती गुरु रामदास जी की बाणी है, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। ते अही तो किसी जोगे नहीं, अगर इन्होंने सानू हीरो ही मान लिया तो बड़ी वड्डी वड्डी अचीवमेंट है साडे वास्ते। ते बाकी सरना साहब नू अपने अंदर झात मारनी चाहिए कि वह कि फिल्म के हीरो ने, क्योंकि जो जिस हालात जो दिल्ली संगत उन्होंने मैंबर रहने के लायक भी नहीं समझे प्रधानगी तो लाने बाद, तो हूँ तो उन्होंने सोचना चाहिए कि वह कि फिल्मों के हीरो ने। और मैं पहली नज़र च लग रहा कि जो उन्होंने आ गल कही है कि तरीके नस्ली टिप्पणी के अंडर आती है, असं इस पर विचार कर रहे हैं, अपने वकीलों राय लै रहे हैं और उम्मीद है असं ये उत्ते जरूर कानूनी कार्रवाई भी करा इन्हों और ये उत्ते पूरा ठोक के जवाब देंगे कि किस तरीके किसी बंदे दे रंग रूप में लैके या उसकी गलबात लैके इस तरह की नस्ली टिप्पणी इन्होंने की है, और इन्होंने तो खमियाजा भुगतना पेगा कानूनी तौर पर, असं कोशिश करा। दूसरी रही गल जी उन्होंने इल्जाम लगाए ने इंस्टीट्यूशनों बंद करने की गल की है, वह सरासर झूठ है। दोनों इंस्टीट्यूशन अज भी चल रहे हैं। यह गल सच है कि उन्होंने दोनों इंस्टीट्यूशनों के इस साल जो एडमिशन होने से फिलहाल हाले तक नहीं हुए, लेकिन 17 अगस्त लास्ट डेट है। असी डबल बेंच के डिविजनल बेंच चले गए हैं और असी उत्थे अपील फाइल कर दी है। और हुणे मैं तुहानू एक ताजी गल दसदा, नैशनल अपना कमीशन फॉर माइनोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने हुणे IP यूनिवर्सिटी नू भी और की कहिंदे ने जिहड़ी अपना जिहड़ा है AICTE नू, दोनों नू अपना नोटिस जारी कर दिता, उन्होंने बुलाया कि तुसी माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन नू क्यों तंग कर रहे हो। यह वड्डी खबर है अज वास्ते कि जेडे इंस्टीट्यूशन ने बंद करने का सपना लै रहे थे उसके ऊपर इन्हां दी कार्रवाई होगी सरकार के दोनों के खिलाफ, NCEMI ने की है। और सानू पक्की उम्मीद है कि जो डिविजनल बेंच का फैसला वो साडे हक च आएगा और साडे सारे बच्चे चाहे वह पोलीटेक्निक एडमिशन लेना चाहते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज, सबनों एडमिशन मिलेगा। देखो इस तरह हैगा कि सरना साहब जेडे अज मूँह के नाल गल कर रहे, उन्होंने पहले इस गल का जवाब देना चाहिए जो 2013 के गए थे तो भी दोनों इंस्टीट्यूशन की मानता और छड़ के गए थे, और हर साल प्रोविजनल यदि मानता असी लेंदे रहे हैं तो और पिछलियां कमेटियां भी यदि लेंदी रही ने, क्योंकि इन्होंने आप ही जो कंडे बीज के गए ने, जो फोड़ा से कैंसर का फोड़ा बनाता इन्होंने, नकली नक्शे लगा, नकली NOC लगा और बदले इन्होंने FIR भी हुई ने रजौरी गार्डन थाने, अज भी इन्होंने चेयरमैन के खिलाफ इन्होंने प्रधान के खिलाफ FIR है कि इन्होंने नकली जी MCD NOC लगाई सी। ये किहड़े मूंह नाल इन्होंने इंस्टीट्यूशनों की गल करते हैं, इन्होंने कोई लोड़ नहीं इन्होंने गल करने की, असं जवाब दें संगत। यह काम करना दिल्ली पुलिस का काम है ना, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का कोई अख्तियार नहीं है। इन्होंने तो बड़ी बचाने की कोशिश की थी, प्रधान होने के नाते परमजीत सिंह सरना ने खुद एफीडेविट दिता पुलिस नूं कि जी साडे चेयरमैन ते डायरेक्टर दी कोई गलती नहीं है, इस दे विच कोई कोई गलत काम नहीं होया। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਮੂਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੱਗਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ DDA ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਦਾਨੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ DDA ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ IP ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। IP ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਔਰ DDA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। DDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।